हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम स्विच केस के माध्यम से एक टेबल बनाने वाले हैं, यानी कि टेबल का एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें यूज़र कोई भी नंबर इंटर करेगा और उसका टेबल लिख दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंटर एनी नंबर, हम कोई भी नंबर इंटर किए और उसके बाद टेबल आ गया। तो इसी तरह से हम प्रोग्राम करने वाले हैं, तो यही ऐसा ही प्रोग्राम करने वाले हैं। इसमें हम स्विच केस का ही यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद एक छोटा सा गोटू लगा रहे हैं, यानी कि उस लूप को बार बार चलाने के लिए। तो इसी तरह से हम प्रोग्राम को स्विच केस के माध्यम से इसे प्रेजेंट करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से इस प्रोग्राम को लिखा जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हेडर फाइल लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर यहाँ पर इंट मैन, फिर यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि ए बी। बी का वैल्यू हम 0 लेते हैं क्योंकि इसका हम आगे यूज़ करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा हम बी का वैल्यू 0 लिए हैं यहीं पर। फिर यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करते हैं जैसे कि यूज़र को ये बताने के लिए कि आप कोई भी नंबर इंटर कीजिए तो हम उसका टेबल लिखकर आपको दिखा देंगे। नंबर और यहाँ पर स्कैन ऑफ जो वैल्यू इंटर किया जाएगा उसे स्टोर करने के लिए, एड्रेस ऑफ ए, ए की जगह पर हम इस वैल्यू को स्टोर कर देंगे। इतना हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ये करेंगे कि सी इज इक्वल टू ए इंटू 10, यानी कि कोई भी टेबल 10 टाइम्स आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए ये हो गया। फिर यहाँ पर स्विच केस लगाएंगे, यहाँ पर अब हमारा स्विच केस लगेगा, स्विच यहाँ पर बी लेस देन और इक्वल टू सी, यानी कि जो हम बी वैल्यू है उसको कैसे लाया जाता है उसको हम बताएंगे आगे। यानी कि ये जो बी वैल्यू है वो सी से छोटा है और बराबर है, यानी कि 10 टाइम्स जो हमारा टेबल है वो जाएगा, वो 10 टाइम्स में रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, सी वहीं डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम कैलकुलेशन केस बनाते हैं। तो ये हम स्विच तो बना लिए, केस वन बनाते हैं पहले। अगर मान लीजिए ये लॉजिक सही हो जाए तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर बी के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ए इज इक्वल टू प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा जो ए है, जो यूज़र इंटर कर रहा है, उस ए को हम बी के साथ ऐड कर गए हैं, जो पहले ही बी का वैल्यू 0 है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बी का वैल्यू यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर जो भी वैल्यू इंटर किया जाएगा वो इसके साथ ऐड किया जाएगा, बी और ए, तो जो भी वैल्यू आएगा वो बी पर जाकर स्टोर हो जाएगा। तो अब हमें बी को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे परसेंट डी बी। यहाँ तक तो हमारा सही है, यानी कि हमारा टेबल इस तरह लिखा जाएगा, लेकिन इसे रिपीट करना चाहिए 10 टाइम्स। तो उसके लिए हम यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये सब आप पहले से ही जानते हैं, और यहाँ पर लगाएंगे ताकि ये लॉजिक को बार बार चेक करे और आगे बढ़े। अगर ये लॉजिक अगर सही ना हो तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, जिस तरह से आपको पता ही है। फिर यहाँ पर हम केस बनाएंगे दूसरा, केस 0, और इसे ब्रेक कर देंगे ऐसे ही। पिछले वाले को हम ब्रेक नहीं किए, उसे हम ब्रेक कर देते हैं। इसको हम वैसे ही खाली छोड़ देते हैं 0 वाले को, क्योंकि इसमें हम कुछ करना है नहीं, मतलब कुछ दिखाना है नहीं कि टेबल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर ये लूप से बाहर निकल जाएगा। अगर ये नहीं भी लगाते हैं तो कोई बात नहीं, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पर ये स्विच केस स्टेटमेंट ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पर हम ब्रेक लगा देंगे, यानी कि ब्रेक नहीं रिटर्न लगाएंगे, जैसे कि हम हर प्रोग्राम में लगाते ही हैं, मेन फंक्शन का रिटर्न लगता ही है, तो यहाँ भी लगा देंगे और ये हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हम अपना प्रोग्राम लिख लेंगे जिसमें हम स्विच केस के माध्यम से कोई भी टेबल को लिखेंगे, जो भी टेबल जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उसे हम उसका हम टेबल 10 टाइम्स तक दिखाएंगे। तो चलिए इसे रन करा कर देख लेते हैं। रन किए तो यहाँ पर इंटर एनी नंबर, यहाँ पर हम नंबर 5 इंटर करते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं, तो ये हमारा इस तरह से एक लाइन में दिखा दिया। लेकिन हम ये यहाँ पर 1 बाय 1 यानी कि न्यू लाइन में दिखाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर स्लैश एन लगाना होगा। जैसे कि आपको पता ही होगा स्लैश एन या स्लैश टी इन सब का क्या यूज़ होता है, अगर आप नहीं जानते तो आप पहले के वीडियो में जाएँ और उसे देखें, हम उसमें बहुत अच्छी तरह से बताएं इन सब का यूज़ किस तरह से किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, इन सब के बारे में। आप देख सकते हैं इस तरह से
हम टेबल्स लिख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिक्कत हो गया क्योंकि हमें यहाँ पर 10 टाइम चलना था, यानी कि 10 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर कुछ आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि जो ये इक्वल का साइन है सी के साथ, जो सी के साथ ये इक्वल का साइन है उसे हम हटा देंगे तो हो जाएगा। देखिए रन करा कर देखते हैं, हो गया। जितने का टेबल भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, देख सकते हैं आप किस तरह से टेबल लिखा जा रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी टेबल लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया स्विच केस के माध्यम से किसी भी टेबल को रिप्रेजेंट करने का, यानी कि किसी भी टेबल को क्रिएट करने का एक प्रोग्राम, ठीक है। तो आप इसे और भी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इफ़ और इल्स में भी शायद देखे होंगे और यहाँ भी आप देख लिए, तो इस तरह से आप टेबल का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम देखेंगे अगला प्रोग्राम अगले वीडियो में।